हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज काफ़ी खास कहानी लाई हूँ। हमने ये कहावत तो सुनी है कि हर छोटे बच्चे अच्छे माँ बाप डिजर्व करते हैं, लेकिन हर माँ बाप बच्चे डिजर्व नहीं करते। ऐसी ही आज की कुछ कहानी है। अगर आप इस कहानी से थोड़े हद तक भी रिलेट करते हैं तो मैं आपकी कहानी सुनना चाहूंगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। इस कहानी की शुरुआत एक जेल से होती है, जहाँ पे एक छोटे बच्चे को खून के जुर्म में 5 साल की सजा हुई थी। उसकी उम्र जानने के लिए डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, इसके दूध के दांत नहीं है, शायद इसकी उम्र 12 से 15 साल होगी। जिसके बाद उसे केस के लिए स्टेशन से बाहर लाया जाता है। बाहर दुनिया भर के रिपोर्टर्स इस केस को देखने के लिए आए थे, क्योंकि आज ऐसी चीज हुई थी जो दुनिया भर के इतिहास में पहली बार हुआ था। एक बच्चे ने अपने माँ बाप के ऊपर उसे पैदा करने के लिए केस कर दी थी। अब कोर्ट में उसे लाया जाता है। उसका नाम जायन है और उसके वकील थे नदीन। वही दूसरे साइड पर उसके माता पिता सुहाद और सलीम बैठे हुए थे। मुकदमा शुरू होता है और जज जायन के माता पिता से पूछता है, क्या तुम लोगों को पता है आप यहाँ पे क्यों हो? सुहाद कहती है कि हाँ, मेरे बच्चे ने किसी को मारा था और उसकी सजा वो काट रहा है, लेकिन हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? एक माँ का अपने बच्चे के प्रति ऐसा रूखा बर्ताव देख जज भी हैरान था। वो उसे कहता है, आपके बेटे को किसी के खून की सजा हुई है, इसमें आपका लेना देना कैसे नहीं है? और उस केस में आपने ही अपने बेटे के खिलाफ गवाही दी थी और आज आप ही के बेटे ने आपको कटघरे में खड़ा किया है। आपको यहाँ किसी और मुकदमे के लिए बुलाया गया है। जायन, क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ पे क्यों हो? हाँ, जायन कहता है। जज फिर पूछता है कि तुम कितने साल के हो? तो जायन ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मेरे माँ बाप से ही पूछ लीजिए। तो वे लोग अपना सर झुका कर थे। जायन के वकील नदीन ने कहा, जायन के माता पिता ने अपने किसी भी बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, लेकिन डॉक्टर के अनुसार जायन 12 साल के करीब है। जज जायन से पूछते हैं, बताओ तुमने अपने माता पिता पर केस क्यों किया है? जायन रूखे दिल से कहता है, मुझे पैदा करने के लिए। और यही से वो अपने अतीत के बारे में बताने लगता है। कहानी कुछ साल पहले जाती है, जब जायन 8-9 साल का रहा होगा। वो कई सारी दवाइयों के दुकान में घूम घूम के अपने माँ के लिए डॉक्टर की लिखी दवाई खरीदता था। दुकानदार कई बार उसे अपने माता या पिता को लाने के लिए कहते थे, लेकिन जायन कुछ बहाना करता था कि आज माँ का ऑपरेशन हुआ है। कभी कहता था उसका छोटा भाई बीमार है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। अब इन सारी दवाइयों का जैन की माँ चूरा बनाती है, जो कि असल में ड्रग्स है, जिसके बाद उसे पानी में मिलाकर उनमें कपड़े भिगोए जाते हैं। इन कपड़ों को सूखने के बाद सुहाद अपने बड़े बेटे अब्राहम के पास लेकर गई, जो जेल में सजा काट रहा है, और फिर उन ड्रग वाले कपड़ों को जेल में बेचा जाता है। जैन तभी छोटा था और पैसे के लिए उसे अपने माँ के साथ ये सब कुछ करना पड़ता था। जैन अपने माँ बाप और छोटे भाई बहनों के साथ एक मकान में रहता था, जिसकी हालत काफी खराब थी। घर का मालिक है आजाद, जो उनसे किराया तो नहीं लेता, मगर जैन और उसके भाई बहनों से अपने दुकान का मुफ्त में काम करवाता है, जहाँ पे वो सब्जियाँ, सिलेंडर या दारूओं की डिलीवरी करवाता था। लेकिन पूरा दिन इसमें जाने के बाद जब वो घर आता है, तब उसे अपने छोटे भाई बहनों को भी संभालना होता है। शहर ये उससे छोटी बहन थी और थोड़ा समय जो भी बचता था वो रास्ते पर नींबू पानी बेचा करता था। एक दिन उठने पर वो अपने बेड पर कुछ खून लगा हुआ देखता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या चीज है। उसी दिन दोपहर को उसे शहर के कपड़ों पर लाल दाग लगे हुए दिखाई देते हैं। वो चुपके से उसे बाथरूम लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें याद है तुम्हारी सहेली आलिया? जब उसके माँ को पता चला था कि इसके कपड़ों पे खून लगा है, तो उसने उसे कई दिनों तक कमरे में बंद कर दिया था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी एक मोटे से आदमी से शादी करवाई थी। अगर हमारे माँ को भी पता चलेगा तो वो तुम्हारी शादी आजाद से करा देगी, उसकी बहन बोली। मगर आजाद तो अच्छा आदमी है, उसने हमें रहने के लिए घर दिया। लेकिन जायन कहता है कि नहीं, वो एक बहुत ही बुरा आदमी है, गलत काम करता है। दरअसल आजाद की नजर काफी दिनों तक शहर के ऊपर थी और उसे देने के लिए वो जायन को अक्सर सामान दिया करता था, लेकिन जायन ये सारा सामान कचरे में फेंक देता था। और उसे पता होता है कि उसकी माँ लालची है, इसीलिए वो इस बात को अपने माँ से छुपाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो शहर के दाग लगे हुए सारे कपड़े सिंक में धोता है, फिर उसे अपनी बनियान उतार कर अंदर की तरफ लपेटने के लिए कहता है।
थोड़े समय बाद आजाद की दुकान से वो कुछ पैड छुपा कर लेकर आता है और उसे रास्ते में समझाता है कि इसे कैसे पहनना है। अब पैड इस्तेमाल करने के बाद वो उन्हें फेंक देती है। ये देख जायन उसे डांटता है कि पैड्स को कहीं पर भी फेंक मत देना, उसे सही तरीके से लपेट कर मुझे दे देना, मैं फेंक दूंगा। जायन उम्र से छोटा था लेकिन जिंदगी ने उसे सारी कठिन चीजें सिखा दी थी। कई बार तो लोग उसके बहन को छेड़ा करते थे लेकिन जायन हमेशा अपनी बहन के लिए आता था और कई बार तो बड़े बड़े लड़कों से भी वो पीटा है। हालांकि उसके माता पिता को इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। उसके पिता सलीम नल्ला आदमी था। एक दिन जैन ने अपने माता पिता से कहा कि मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। लेकिन सलीम ने कहा अगर ये बात आजाद को पता चली कि जैन अब उसके लिए काम नहीं करेगा तो वो हमें घर से निकाल देगा। लेकिन सुहाग को पता था कि स्कूल से फ्री खाना मिलता है, इसीलिए वो कहती है कि नहीं, आजाद से मैं बात करूंगी। जैन सुबह कुछ घंटों के लिए स्कूल जाएगा जिसके बाद रात भर वो उसके लिए काम करता रहेगा, इससे हमारा भी फायदा होगा। जैन की आंखों में आंसू आ गए कि कैसे निर्दयी है उसके माता पिता। लेकिन अगले ही दिन आजाद से बात करने पर वो नहीं मानता। इनफैक्ट जैन से वो और भी ज्यादा काम करवाने लगता है। एक शाम जब वो घर पहुंचा तो देखा कि काफी सारी मुर्गियां लाई गई है, यानी किसी ने तोहफा दिया था। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए घर जाकर देखता है तो आजाद के माता पिता आए हुए हैं और सहर काफी सज धज कर बैठी हुई है। वो समझ गया था कि ये सहर की शादी के बात करने आए हैं। वो गुस्से से किचन में आता है और अपने माँ पर चिल्लाता है कि वो इतनी छोटी है तो उसकी शादी इतने जल्दी कैसे कर सकती हो। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर सहर की शादी हुई तो हम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं, वरना वो हमें घर से निकाल देगा। अब गुस्से में जायन बाहर कुछ कहने जाने ही वाला था लेकिन उसकी माँ उसे कहीं पर बंद कर देती है और यहाँ बाहर शहर की शादी की बात पक्की होती है। जायन को अपनी बहन के लिए फिकर होने लगती है। फिर एकदम सुबह वो शहर के कान में कुछ कहता है कि आज मैं तुम्हें कहीं पर लेके जाऊंगा, तुम तैयार रहना और किसी से कुछ भी मत कहना। फिर जायन ने अपने माँ के पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और आजाद की दुकान से कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ पैड इकट्ठा किए और उन्हें फेंकने के बहाने वो बाहर गया। बीच रास्ते में एक बस वाले से अपनी सीट भी पक्की कर ली। बस कुछ ही मिनटों में छूटने वाली थी, इसीलिए वो दौड़ कर शहर को लेने के लिए घर की तरफ भागा। लेकिन तब तक यहाँ सबको पता चल चुका था कि वो और शहर भागने वाले हैं, इसीलिए दोनों को भी बहुत मार पड़ती है और बिना सोचे समझे उनके पिता उसी वक्त शहर को आजाद के घर छोड़ आए। जायन अपने माँ के ऊपर गुस्सा था, वो उसे कहने लगा तुम्हारी जैसी माँ किसी को भी ना मिले। लेकिन जायन रोते हुए गुस्से में वहाँ से भाग जाता है और उसी बस में जाकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक दर्द था कि वो अपनी छोटी बहन को बचा नहीं पाया। आगे वो एक मेले के यहाँ पे उतरता है। आज ज्यादा भीड़ नहीं है इसीलिए वो एक झूले पर बैठ जाता है और सूरज को ढलता हुआ देख कुछ सोच में पड़ता है कि इतनी खूबसूरत चीजें हैं इस दुनिया में लेकिन मेरे नसीब में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अचानक से उसकी आंख में आंसू आने लगते हैं। अब अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो वो यहाँ वहाँ खाने के लिए कुछ चीजें मांगने लगता है। वही ऊपर से एक महिला जिसका नाम टिगिस था वो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। टिगिस ने उसे ऊपर बुलाया और खाने के लिए कुछ बिस्किट और चाय दिए। अब एक दिन ऐसे ही निकल जाता है। जैन पूरा दिन मेले में यहाँ वहाँ भटकता रहा, लोगों से काम मांगने लगा। उसके पास के पैसे और खाना भी खत्म हो गया था। वही टिगिस को हम देखते हैं शाम के वक्त में वो एक पब्लिक बाथरूम में काम करती थी जहाँ पे वो सबको बताती है कि आखिरी वाला टॉयलेट खराब है लेकिन असल में उसमें उसका कुछ महीनों का बच्चा सोया हुआ है। वो उसे छुपाकर यहाँ पे काम करती थी क्योंकि घर में कोई भी ख्याल देखने के लिए नहीं था और फिर घर जाते वक्त बैग में छुपाकर लेकर जाती थी। उस दिन घर जाते वक्त पीछे पीछे जायन भी आया और उससे कुछ खाने के लिए मांगा। टिकी सोच में पड़ गई लेकिन अंत में वो उसे अपने साथ घर लेकर आती है जहाँ वो उसे बताती है कि रोज वो उसके बच्चे का ख्याल रखेगा, इसके बदले में वो यहाँ पे रह सकता है। इस बात से जायन काफी खुश होता है और उसे धन्यवाद कहता है। एक दिन टिगिस ने अपने होटल से कुछ बचा हुआ केक लाया था। घर आकर तीनों भी केक को खाकर काफी अच्छा समय बिताते हैं। टिगिस बताती है कि वो इथोपिया से यहाँ पे घरेलू काम करने के लिए लाई गई थी। उसका असली नाम राहिल है। पिछले मालकिन के यहाँ पे उसने 6 साल तक काम भी किया जिसके पास उसके कुछ पेपर्स है लेकिन फिर उसे एक आदमी से प्यार हो गया और वो उसके साथ भाग गई। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उसके बाद उस आदमी ने उसे छोड़ दिया
अब वो ना तो पुराने मालकिन के पास जा सकती है और ना ही नए पेपर्स बनाने के पैसे है उसके पास। किसी तरह काम करते हुए उसने एक दलाल जिसका नाम एफ्रो था उससे अपने नकली पेपर्स बनवाए थे और इसी तरह जिंदगी काट रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जायन योनास का काफी अच्छे से ख्याल रखने लगा था। जिंदगी ने कुछ समय के लिए जायन को छत दी थी, लेकिन एक दिन वहाँ पे वही दलाल एफ्रो आ जाता है और वो जबरदस्ती योनास यानी टिगिस के बच्चे को लेकर जाता है, क्योंकि एफ्रो को उसके बच्चे को किसी को बेचना था और टिगिस के पेपर भी एक्सपायर हुए थे, तो वो टिगिस को ब्लैकमेल करना चाहता था। और एफ्रो टिगिस को 7 दिन की मोहलत देता है, या तो पेपर बनवाए या बच्चा खो दे। उस वक्त के लिए उसे अपना बच्चा मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। पैसे जुटाने के लिए उसने अपने बाल भी बेच दिए थे, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं आ पाए। वो हर जगह भीख मांगने लगती है, लेकिन कुछ नहीं होता। जायन भी रोज रोज यही चीजें करके बोर हो गया था, लेकिन कहीं पर जा नहीं सकता था। वही एक रात टिगिस्ट घर पर ही नहीं लौटती। योनास भी काफी रोने लगा था, इसलिए सुबह जायन योनास को गोदी में उठाकर टिगिस्ट जहाँ काम करती थी वहाँ देखने आता है, लेकिन वहाँ पर भी पिछले रात वो काम करने नहीं आई थी। वहाँ उसे एफ्रो के बारे में पता चलता है और फिर वो एफ्रो से मिलता है, लेकिन टिगिस लापता है। ये जानने पर वो जायन को खाने का लालच देकर योनास की मांग करने लगता है, लेकिन जायन समझदार है, वो वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ से जाते वक्त उसे मायसुन नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती होती है। शायद वो उसे शहर की याद दिलाती है। उसके साथ बातचीत करके वो घर आता है, लेकिन दूसरे दिन भी टिगिस्ट घर नहीं लौटती। और यहाँ हम देखते हैं टिगिस्ट जेल की हिरासत में थी, इसे पुलिस ने गैर कानूनी होने के कारण पकड़ा था। तो यहाँ पे योनास भी भूख के मारे काफी रोए जा रहा था, इसलिए जायन दूध का पाउडर बर्फ में मिलाकर खुद को और योनास को खाने दिया, और खाने की तलाश में वो बाहर नन्हे योनास को लेकर भटक रहा था। जायन को लग रहा था कि टिगिस्ट अपने बच्चे को उसके पास छोड़कर कहीं चली गई है। अब कोई रास्ता ना होने के कारण वो घर के सारे बर्तन ले आता है और उसमें योनास को बांधकर उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ता है। मार्केट में वो वापस उसी लड़की से टकराता है। वो कहती है कि मैं सीरियन रेफ्यूजी हूँ, एफ्रो ने मुझे प्रॉमिस किया है वो जल्दी ही उसका पासपोर्ट बनवाएगा और वो उसे स्वीडन में अच्छी जिंदगी दिलाएगा। तुम भी एफ्रो से अपना पासपोर्ट बनवा लो और तुम भी मेरे साथ स्वीडन चलना। यहाँ पे दो नन्हे बच्चे जिन्हें उनके माता पिता ने पैदा करके छोड़ दिया था, वो अपने खुशहाल भविष्य की बातें कर रहे थे, जिन्हें पता भी नहीं था जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है। अब अगले दिन जायन भी सीरिया के रेफ्यूजी कैंप में जाता है और कुछ झूठ कहकर अपने लिए कुछ राशन ले लेता है। चलिए कुछ दिन तक उसके खाने का इंतजाम हो गया था। ऐसे ही एक दिन पुराने कपड़े ढूंढते हुए उसे वही दवाई की पर्ची मिलती है, जो दिखाकर उसके माता पिता ड्रग्स खरीदवाते थे। अब उसे पैसे कमाने का एक रास्ता मिल गया था और उसी तरह वो लोगों को वापस ड्रग्स बेचने लगता है। अब एक दो दिन तक तो उसका धंधा अच्छा चलता है, लेकिन फिर उस एरिया के गुंडे उसका धंधा बंद करवाते हैं। कुछ लोग तो पैसे भी नहीं देते, तो कई बार तो जायन ने नशे से धुत लोगों से मार भी खाई है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन वो अपने घर पे ताला पाता है। उसे समझ आता है कि घर के मालिक ने किराया ना देने के कारण इनका सामान बाहर फेंक दिया है और घर पे ताला लगाया है। अब जो भी बचे कुछ पैसे थे वो अंदर रह गए थे। उसने ताला तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पड़ोसियों ने उसे डांट दिया और रास्ते से भगा दिया। जायन वापस से रास्ते पे आ गया था, क्या करे कहाँ जाए उसे कुछ भी पता नहीं था। एक तो वो खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था, उसमें से योनास की जिम्मेदारी। उसने कई बार सोचा कि योनास को वही सड़क किनारे छोड़ दिया जाए, फिर वो दूर से देखता कि योनास क्या कर रहा है, मगर वो नन्ना बच्चा दौड़कर जायन के पास ही आता था। अब ना चाहते हुए भी जायन उसे एफ्रो के पास लेकर गया और उसने जायन को बहला फुसरा कर भरोसा दिलाया कि योनास एक अच्छे घर पे जाएगा, उसकी अच्छी देखभाल होगी। इसके बदले में वो जायन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम अपने घर जाकर कोई सरकारी प्रूफ लेकर आओ ताकि तुम्हारा पासपोर्ट बनवा सकूं और तुम भी बाकी बच्चों की तरह स्वीडन जा सकते हो। दरअसल ये कोई भी बच्चों को स्वीडन नहीं भेजता था, उनकी तस्करी किया करता था। जायन वापस अपने घर लौटा था और अपने पिता से आईडी प्रूफ लेने के लिए, लेकिन उसके पिता उसे काफी भला बुरा कहने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें आईडी चाहिए, हम गरीब कीड़ों की तरह यहाँ पे रहते हैं, यहाँ तक कि अस्पताल में भी इसी कारण से नहीं जा सके। अस्पताल का नाम सुनते ही जायन के होश उड़ गए। कौन है अस्पताल में, जायन ने कहा, लेकिन सलीम अचानक से चुप हो गया। उसकी माँ भी खामोश थी।
उसे जिस बात का डर था वही हुआ था। कम उम्र में माँ बनने की वजह से उसकी बहन सहर इसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी प्यारी बहन इस दुनिया में नहीं थी। गुस्से में उसने चाकू उठाया और आजाद के घर दौड़ते हुए गया। उसके माता पिता भी पीछे गए उसे रोकने के लिए, लेकिन देर हो गई थी। आजाद ने उसके ऊपर जानलेवा वार किया था और इसीलिए उसे 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन आजाद जिंदा बच गया है। आज अदालत में पेशी के दौरान जज के आजाद को पूछने पर उसने कहा, सहर 11 साल की थी। शादी के 1-2 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। जब उसे अस्पताल में लेकर गए तब कोई प्रूफ ना होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और उसके दरवाजे पर ही उसने दम तोड़ दिया था। उसका ये बयान सुनते ही पूरा समाज शांत था। अपनी ही बनाई हुई रीति रिवाजों पर एक 12 साल का बच्चा सवाल कर रहा था। क्या गलती उन माता पिता की है जिन्होंने उसे पैदा करके उसका सौदा कर दिया ताकि वो एक छत के नीचे रह सके? क्या गलती आजाद की है जो अपने से आधे उम्र की लड़की से शादी कर बैठा? यह गलती सरकार की है जिन्होंने कभी भी नाबालिग के शादियों पर रोक नहीं लगाई? फिर कहानी वापस अतीत में जाती है जहाँ पे एक दिन टिगिस जेल में कैद होती है और वो अचानक से जायन को वहाँ देखती है और उसे आवाज लगाती है, जायन योनास कहाँ पर है? उसे लग रहा था जायन योनास का ख्याल रख रहा है, लेकिन सच्चाई सुनने के बाद वो माँ रो पड़ी। एक दिन जायन जेल में था तभी उसकी माँ उससे मिलने आती है और कहती है कि उसे भी शहर के जाने का काफी अफसोस है, लेकिन भगवान ने उन्हें एक और मौका दिया है और जल्दी ही उनके घर में वापस एक बच्चा होने वाला है और वो वादा करती है कि अगर लड़की हुई तो उसका नाम शहर रखेंगे। ये सुनकर जायन आग बबूला हुआ, गुस्सा हुआ। बहन के जाने का इन्हें कोई भी अफसोस नहीं था और दूसरे बच्चे की बात कर रही थी। उसने माँ को काफी सुनाया और कहा, वापस मुझे यहाँ पे मिलने मत आना। जायन के सब्र का पुल टूट गया था। अब एक रात जेल में उसने टीवी पर प्रोग्राम देखा जहाँ पे कुछ बच्चे अपनी कहानी बता रहे थे कि कैसे माता पिता के लापरवाही के कारण आज वे लोग जेल में हैं। ऐसी एक कहानी जायन के पास भी थी। अगले ही दिन वो उसी टीवी शो पर कॉल करता है। उसका कॉल रिकॉर्ड किया जाता है जो कि पूरे देश भर में टीवी पर दिखाया जाता है। वो कह रहा था, मेरा नाम जायन, आज मैं जेल में हूँ और अपने माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहता हूँ। आगे वो कहता है, अगर आप बड़े लोग अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, उन्हें शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, तो उन्हें पैदा करने का कोई हक नहीं है। मैं भी एक अच्छी जिंदगी चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इतने कम उम्र में ही अपने भाई बहन अपने माता पिता को पालने की जिम्मेदारी आ गई थी। अब जायन की कहानी ने पूरे देश को हिलाया था और सभी लोग जायन की मदद करने के लिए आते हैं और सरकार उसे नदीम ये वकील देती है और उसका मुकदमा लिया जाता है। अब कहानी आती है वर्तमान में। कोर्ट रूम में जायन ने अपने माता पिता से कहा, ये लोग ऐसे ही बच्चे पैदा करते रहेंगे और वो भी मेरी तरह रास्ते पे धक्का खाएंगे, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म होगी। मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप और कोई भी बच्चे पैदा ना करे, ऐसी जिंदगी पर धिक्कार है। उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग खामोश थे। इस हालत के लिए समाज के सभी बड़े लोग जिम्मेदार थे और इसी के चलते जज फैसला करता है कि जायन की सजा कम कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ पुलिस एफरो को भी पकड़ते हैं और उसके अड्डे से काफी सारे लोगों को बरामद किया जाता है जिनकी वो तश्तरी करने वाला था। यहाँ पर इन्हें योनास भी मिल गया था। वही इसी केस के चलते टिगिस्ट और उसके जैसे सारे लड़कियों को उसके देश में वापस लौटाया जाता है। जब वो एयरपोर्ट पे थी तभी नादिया उसके बच्चे योनास को उसके पास लाती है, जो देख के उस माँ के आंसू रुकते नहीं, और वो जायन को थैंक यू कह के वहाँ से अपने देश लौट जाती है। अंत में हम देखते हैं जायन का फाइनली एक आईडी बनता है और काफी समय के बाद जायन मुस्कुराता है और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों तो प्लीज कुछ कमेंट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।